डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास है क्लास 7 का ये हिंदी का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का फाइनल एग्जाम का ये क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी तरह का क्वेश्चन फिर से आने वाले हैं। यही क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन इसी तरह से आएंगे। रचनात्मक कार्य 15 मिनट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है निबंध लिखने के लिए, तो जो आपको जिस पर आप ज़्यादा लिख पाएंगे उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे कि दशहरा हो गया, कंप्यूटर हो गया, व्यायाम का महत्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में डाक की अनियमितता की शिकायत करते हुए डाक अधीक्षक को पत्र लिखें अथवा 4 दिनों के अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें। आवेदन पत्र लिखना ज़्यादा आसान होता है, इसको आप लिख सकते हैं। नंबर आपको उतना ही मिलेगा, 5 नंबर के ये क्वेश्चन है। उसके बाद व्याकरण से ये क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर का, देवेंद्र का संधि विच्छेद करें। देवेंद्र, देव जोड़ इंद्र। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, सभी के लिए एक एक नंबर मिलेगा। आकाश के तारे तोड़ लाना, मुहावरे का सही अर्थ लिखें। अपनी डपली अपना राग, लोकोक्ति का अर्थ लिखें। किरण शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखें। किरण उषा लिख सकते हैं। जिसका जिसको छोड़ा नहीं जा सके के लिए एक शब्द लिखें, जिसको छोड़ा नहीं जा सके। उसके बाद भरपेट का सामासिक विग्रह करें। सामासिक समास से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, समास चैप्टर को सही से पढ़कर और उसकी जानकारी रखें। परीक्षा शब्द से विशेषण बनाएं, परीक्षा इसको विशेषण बनाना है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब जो है यहाँ पे ग्रामर का ही ऐसे क्वेश्चन है जिसका प्रश्न उत्तर मांग रहा है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। क्रिया का चैप्टर जो है उसमें आपको मिलेगा सकर्मक आकर्मक, 2 क्रिया होता है। इन अवयवों को कालवाचक और स्थानवाचक अवयव में वर्गीकृत करें। जिधर, जब, कल, कहाँ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अवयव जो होता है उसको ज़्यादातर स्टूडेंट याद नहीं रख पाते हैं, तो आपको बढ़िया से पढ़ना है इसको। इन शब्दों के सामासिक विग्रह करें। भाई बहन, प्रत्येक, बखूबी, कठखोदवा। तो ये जो है आपको समास चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए आपको इस तैयारी करके रखना है। इन विशेषणों की उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था को लिखें। सुंदर, उत्तमावस्था अधिक सुंदर और सबसे सुंदर, इस तरह से इंग्लिश में तो यही होता है। सुंदर का होता है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से होता है। तो इसको आप उस अनुसार से लिख सकते हैं या आप लोगों ने जिस प्रकार से बुक में पढ़े होंगे उस हिसाब से आपको पता होगा। सुरभि भाषा संपदा, अब जो है बुक से क्वेश्चन दिया गया है। एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखें। जो मौखिक क्वेश्चन दिया रहता है छोटा वाला उसमें लिख सकते हैं। आज से कितने वर्ष पूर्व नेपाल की धरती पर महात्मा बुद्ध का पदार्पण हुआ था, उनका जन्म हुआ था। सिद्धार्थ के राजसी केस कौन काटता है, तो उसका जो एक सेवक होता है वह काटता है। रहीम ने सच्चा मित्र किसे कहा, जो दुख के समय काम दे वही सच्चा मित्र होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कब से कब तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे, कि ये साल पूछ रहा है तो आपको याद होगा या फिर आप याद कर लेंगे, तैयारी करके रखेंगे। नेक्स्ट अभी जो है यहाँ पे लंबे क्वेश्चन मिलेगा। पृथ्वी रोमांचित से क्यों लगती है, पृथ्वी रोमांचित से क्यों लगती है। उसके बाद संसद सदस्य को कौन कैसा होना चाहिए, संसद सदस्य को कैसा होना चाहिए। ईश्वरदान राजगुरु के चरणों में क्यों गिर पड़ा। देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपका के बुक में चैप्टर ना हो, क्योंकि इस वर्ष जो है बुक में बदलाव हुआ है, कुछ नए चैप्टर को जोड़ा गया है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। तपस्वी ने लड़की को फिर से चूहिया क्यों बना दिया, एकदम लास्ट चैप्टर में ये है। लोहे की दुकान पर चिमटे को देखकर हामिद के मन में क्या विचार आया, ईदगाह चैप्टर से ये दिया हुआ है। और यहाँ पे सूरदास द्वारा रचित पहले पद में जीता हुआ किसे बताया गया है। जीता हुआ सूरदास के पहले पद में कृष्ण को जीता हुआ बताया जाता है, लेकिन उसके सभी मित्र जो रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, तुम बेमानी कर रहे हो। मुंडा स्त्रियां छाती पीट रही थी क्यों, क्योंकि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसीलिए मुंडा स्त्रियां छाती पीट रही थी। निर्देशानुसार उत्तर लिखें। दोहे को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें, यहाँ दोहे को पढ़ना है। रही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरित, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सचे मित्र। विपत्ति में जो काम आते हैं वही सच्चा दोस्त होता है, मित्र होता है। बहुत सारे रिश्ते कब बनने लगते हैं, जब आपके पास संपत्ति हो। सच्चा मित्र रहीम किसे नहीं मानते, जो सिर्फ आपके सुख में शामिल हो, दुख में शामिल ना हो।
दोहे से दयालु शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखें। दयालु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद मित शब्द का अर्थ मित्र हो जाएगा, और आगे गदांश। यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ना है, जैसे कि अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न जो आपको दिया हुआ था। काठमांडू में हिंदुओं का सबसे बड़ा शिव मंदिर श्री पशुपतिनाथ भी है, तो ये नेपाल से रिलेटेड जो चैप्टर दिया हुआ है उसी का ये पार्ट दिया हुआ है, छोटा सा काट कर। इसको पढ़ने के बाद आगे क्वेश्चन दिया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, किस नदी को नेपाल की गंगा होने का श्रेय प्राप्त है, पशुपतिनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ, तो ये क्वेश्चन है और आपको उस स्टोरी से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ गण नंबर में, संसद के प्रश्नकाल के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने शब्दों में लिखें। ये संसद से रिलेटेड एक चैप्टर दिया हुआ है। सारनाथ का स्तंभ के बारे में लिखें। पुनर्मुसिको भव कहानी हमारे लिए शिक्षा का स्रोत है, कैसे, मतलब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें लेकिन हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वही होने का वही होगा, और वही होता है उस चूहे के साथ। एक शब्द में उत्तर दें, देखिए यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देना है। बाल महाभारत कथा, महाभारत से ये कहानी है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अज्ञातवास के समय राजा विराट के यहाँ युधिष्ठिर का क्या नाम था। ये क्वेश्चन आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप बना नहीं पाएंगे। पांडवों का मामा होते हुए भी कौरवों का साथ दिया, उसका नाम लिखें, मामा शैल हो सकता है, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद पांडवों के पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास कम थी, संभवतः 9, या आप चेक कर लेंगे। अपने शब्दों में उत्तर दें, महाभारत काल में युद्ध बंद करने का तरीका क्या था, महाभारत काल में युद्ध बंद करने की तरीका, तो अगर दुर्योधन समझौते को मान जाता तो बंद हो जाता। कर्ण ने किसका साथ दिया और क्यों, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि दुर्योधन उसका परम मित्र था। उसके बाद आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में, द्रौपदी के पुत्रों के कटे सिर देखकर दुर्योधन क्यों दुखी हुआ, विस्तार से लिखें। क्योंकि वह इसलिए दुखी हो गया कि उसका वंशज अब जो है नष्ट हो जाएगा, कोई भी उसके वंश में नहीं रहेगा। यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।